हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक एक्चुअली क्या है, उस टॉपिक के ऊपर कई बार हम सोचते हैं ना कि हाउ मिरेकल्स हैपेंस इन द लाइफ। लाइफ में जो है ये मिरेकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके ऊपर जो है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि हमारे बॉडी में जो है कई सारे हमारी बॉडी जो है कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। उस वो बायो मॉलिक्यूल्स बोलिए या पार्टिकल्स बोलिए, वो पार्टिकल्स जो होते हैं कोई ना कोई एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं, कुछ रिलीज कर रहे होते हैं। और लाइफ में उन एनर्जी का जो है सिंक्रोनाइज होना ही आपको मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। याद रहे, मिरेकल्स में एक और फैक्टर आता है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जो है अगर आप देखें तो हमारी बॉडी जो है मोस्टली अगर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें तो तीन तरीके से जो है एनर्जीज को प्रोड्यूस कर सकती है। पहला लेवल जो होता है वो होता है ब्रेन का। ब्रेन के लेवल पे कई अलग अलग तरीके की एनर्जीज प्रोड्यूस करती है, अल्फा बीटा गामा एंड लॉट्स ऑफ रीजंस। दूसरा लेवल होता है हमारा माउथ, जैसे जो हम बोल रहे हैं ये माउथ जो है ये भी एक एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रही होती है। एंड द थर्ड लेवल इज अवर बॉडी। ब्रेन, माउथ एंड अवर बॉडी, ये तीन सोर्सेज है जिन पे की जो कि एक तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रॉडर लेवल की अगर बात करें तो ब्रेन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो वेव एनर्जी होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे जो है आपका फ्रिक्वेंसी स्टेटस थोड़ा सा ऊपर होता है। जितना आप पॉजिटिव होते हैं उतना ही, जैसे डेल्टा वेव सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है और अल्फा वेव सबसे लोवेस्ट वेव्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो वेव एनर्जी जो है हमारी ब्रेन जो है वो रिलीज कर रही होती है। हरे हमारा जो माउथ होता है वो साउंड एनर्जी रिलीज करता है। साउंड एनर्जी एक तरीके से जो है वो भी वेव का ही फॉर्म है, साउंड वेव का अलग फॉर्म है, बट वो एक तरीके से साउंड एनर्जी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो आपका माउथ प्रोड्यूस करता है। और बॉडी जो ज्यादातर जिस एनर्जी को प्रोड्यूस करती है वो मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि अगर मैं इस माउस को उठा रहा हूँ या कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो इस पर्टिकुलरली मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आता है। नो, जरा ध्यान रखें कि जो वेव एनर्जी है वो कैसे काम करता है या किस फॉर्म में जो है हमें दिखता है, वो है थॉट्स के फॉर्म में। जो हम सोचते हैं ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है जो कि हमारे ब्रेन से एक एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होने लगता है? क्योंकि हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव वेव एनर्जी रिलीज कर रही होती है, गामा और डेल्टा टाइप की, जिससे कि उन एनर्जी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेट होती है तो वो चीज आपके लाइफ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो उसका साउंड एनर्जी होता है एक किस फॉर्म में निकलता है? वर्ड्स के फॉर्म में और स्पीच के फॉर्म में। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना इसी फॉर्म में तो आपके पास साउंड एनर्जी निकल रहा है, शब्दों के फॉर्म में, स्पीच के फॉर्म में। एंड बॉडी के फॉर्म में जो है मैकेनिकल एनर्जी जो निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है? वो एक्शन के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में निकलता है। ठीक है ना, जो वर्क आप परफॉर्म कर रहे होते उस फॉर्म में जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब अगर आप इन चीजों को देख पाए तो हमारा ब्रेन, माउथ और बॉडी एक तरीके से सोर्स की तरह काम करता है। सोर्स है जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एंड ये कौन से फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है? वेव, साउंड एंड मैकेनिकल एनर्जी। कैसे परफॉर्म करता है? वे क्या है? वो है आपका थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हो रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और काम कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, इन तीनों एनर्जी के बीच में कोई भी रेजोनेंस या सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, सम नहीं होता, ये जाके एक जगह पे सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे। इसी वजह से जो पर्टिकुलरली हमारा एक्शन होता है वो सही आउटपुट नहीं दे पाता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा है, बोलते हो थोड़ा सा कम है और काम उससे भी ज्यादा कम करते हैं, या सोचते एकदम नहीं और बोलते जो है बहुत ज्यादा है और काम बिल्कुल नहीं करते, या सोचते एकदम नहीं, बोलते भी नहीं और काम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे लेबर प्रवृत्ति के जो है लोग आते हैं वो सिर्फ मेहनत करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साउंड एनर्जी भी बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं और ब्रेन तो बहुत ही कम। कुछ लोग बहुत सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन सही बोलना या बॉडी से वर्क करना वो भी कम करते। तो लाइफ में इन तीनों एनर्जीज का या तीनों फॉर्म्स का जो है स्ट्राइक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपका जो
थॉट्स है, आपका जो वर्ड्स है, आपके जो एक्शंस है, अगर इन तीनों में एक सिंक्रोनाइजेशन मिला, थॉट्स का पर्टिकुलरली केस, वर्ड्स का और आपके एक्शंस का, तीनों अगर कंबाइन हो गए, सिंक्रोनाइज हो गए, अगर तीनों कंबाइन होकर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो देन डेफिनेट सी बात है कि आपका पर्टिकुलरली केस जो है वो आपका मिरेकल होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर तीनों की तीनों एनर्जी जो है वो सिंक्रोनाइज हो गई, जब तीनों की तीनों एनर्जी सिंक्रोनाइज हो गई, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे जो है मिरेकल होने के 110% चांसेस। ये तीनों एनर्जी सिंक्रोनाइज करने के कई अलग अलग अप्रोच है जो स्टडीज में बताए गए। अप्रोच के तौर पर मेडिटेशन हो सकते हैं, अप्रोच के तौर पे एक्सरसाइजेज एंड ऑल है, अप्रोच के तौर पे प्रॉपर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई सारे जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो सब परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत वेव एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी और एक्शन। जिस दिन आपकी सोच, आपके शब्द और आपका एक्शन, आपका वर्क जो है सिंक्रोनाइज हो गया, तीनों एक ही फ्रिक्वेंसी के लिए काम करे, तीनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, देन मिरेकल होगा, डेफिनेटली होगा। इसके ऊपर काम करिए, एक बार देखिए, जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं और वही आप कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहीं दूर जाने वाला नहीं है। और ऐसा मिरेकल बहुत बड़ा होगा सक्सेस से, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा चीजें कहां से हो रही है। लेकिन अक्सर लाइफ में हमारे मिरेकल्स या चीजें नहीं हो पाती। मिरेकल्स आई मीन टू नथिंग, इट्स अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जीज। आपके जो थॉट्स एनर्जी है, वर्ड्स एनर्जी है और जो एक्शन एनर्जी है, ये तीनों एनर्जीज का सिंक्रोनाइजेशन करेंगे तो जो आप चाहते हैं वो होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मुझे बताइएगा, और इसके अलावा और भी टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा कि कैसे जो है डेस्टिनी जो है क्रिएट होती है, डेस्टिनी का हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सो उसके ऊपर भी बात की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।